नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे को पहले दिन पदभार संभालने की खुशी में मुंबई के अंधेरी इलाके में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर फटाके जलाकर खुशियां मनाई। इस खुशी में महिला पुरुष सब लोग शामिल थे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा, यह महाविकास आघाड़ी की सरकार सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि 25 साल चलेगी और निष्पक्ष सरकार रहेगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। आमच्या साडीत हीच ती दिवाळी जी काल आम्ही मुख्यमंत्री पदाची आमच्या पक्षप्रमुख उद्धवजींनी मुख्यमंत्री पद म्हणून जे पद घेतलं त्याच्या अख्ख्या जगाने जे काल शिवाजी पार्कला आमच्या शिवतीर्थावरती पाहिलं ते भरपूर त्या गोष्टीतून प्रश्नाचे भरपूर उत्तर भेटलेले आहेत। आम्ही मागच्या गोष्टी सगळ्या विसरलेले आहेत। आमच्यासाठी सुवर्ण दिवस आहे। कालपासून साहेबांनी मुख्यमंत्री झालेले आहेत आणि आता जे काल जे तुम्ही विचार करा की किती सेन्सिटिव्ह आहे या पक्षप्रमुख आमचे की पहिला निर्णय जो घेतला तो रायगडासाठी 20 करोड रुपये इमिजिएट सँक्शन केले। जो पहिला खुर्चीवरती मुख्यमंत्री बसल्यानंतर शिवाजीच्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी करायच्या, छत्रपती आमचे आहेत, छत्रपती इथं आहेत, छत्रपती तिथं आहेत, पण जे शिवसेनेच्या माध्यमातून जो पहिला निर्णय झाला तो रायगडावरती 20 करोड रुपये पहिला जो खुर्चीवर बसल्यावर डिसिजन दिलेलं आहे। चांगलं होण्यासाठी कुठून तरी चांगले लोक जमा होण्याची गरज असते। आमचं कधीही वैर्य काँग्रेस किंवा मुस्लिम समाजाची नाही होतं। मुस्लिम समाजासाठी आज भी तुम्ही विचार करा, प्रत्येक शाखेमध्ये जो कामाला येतो आम्ही जात धर्म प्रांत हे मानत नाही। आमच्या शाखेत जो भी येतो शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही भले ॲडमिशन असो या कोणत्या प्रकारचे जे भी करायचे असतं ते असं काही डिवायडेशन करून समाजासाठी नाही करत। तर मुस्लिम समाजासाठी शिवसेना आधीपासून काम करतच आहे। भैया मेरे घर का फंक्शन है, मेरे घर में शादी है, तो जो मेरे मन में भावना होगी, जो उत्साह मेरे मन में होगा उसी तरह का उत्साह आज मेरे मन में है। मुझे बस आसमान ये हो रहा है, कहाँ मैं कहाँ क्या करूँ और क्या नहीं। आज महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का जो अवसर मिला है, आज एक जनता का सही मायनों में जनता का प्रतिनिधि, जनता का नेता, लोकनायक जिसको बोल सकते हैं, ऐसी व्यक्ति आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर है। आपने कल का पूरा समारोह देखा होगा जिसमें लाखों की तादाद में लोग आए और लाखों की उपस्थिति में उद्धव साहब ने वहां पर शपथ ग्रहण की। तो इस तरह से जो काम होता है वो लोगों के लिए होता है। आज असल मायनों में महाराष्ट्र में लोगों के लिए बना हुआ लोगों का नेता मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। नहीं, इसमें कट्टरवादी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शिवसेना मुसलमानों के लिए भी सोचती है हमेशा। मैंने शाखाओं में देखा हूँ कि हर कोई भी जाति का लोग जाए, कोई भी जाति के लोग जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई भी काम लेके जाएगा तो उसको कभी वो मना नहीं करते कि किस जाति का, देखते नहीं है, तुरंत उसको पहले एक्शन करते कि इनका काम होना चाहिए। और इसी वजह से आज मुस्लिम समाज ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पूरा शिवसेना के साथ जुड़ रहा है और आगे और बड़े तादाद में जुड़ेगा। लेकिन 3 लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, क्या लगता है कितना दिन तक चलने वाला है? नहीं, ये तो साहब ने बताया ना, आगे 15 साल नहीं 25 साल चलेगी।
25 साल से भी ज्यादा चलेगी। अभी हम लोग शायद तब तक जिंदा रहे नहीं, ये सरकार चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। शिवसेना।